मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट पर बना सस्पेंस आज भी खत्म नहीं हो पाया। बहुमत परीक्षण की मांग वाली बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर कल तक जवाब देने को कहा है। इस मामले में सुनवाई बुधवार को सुबह 10:30 बजे होगी। वहीं सुनवाई के बाद बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रही है। ना कांग्रेस पार्टी, ना चीफ मिनिस्टर, ना स्टेट ऑफ एमपी मौजूद था। उन सबको मालूम है कि ये केस लगा है, बट वो जान के गैर हाजिर रहे। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद अर्जेंसी देखते हुए कल सुबह 10:30 बजे के लिए नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि इनकी तामील कर दीजिए और 10:30 बजे सुबह इसकी बहस। सर, बीजेपी ने अपने क्या ग्राउंड लिया है, क्या कहना चाह रही है बीजेपी किस तरह से? जो ग्राउंड सिर्फ ये है कि सरकार का बहुमत नहीं है, 22 आदमी इनके चले गए तो बहुमत नहीं है, इसलिए आप फ्लोर टेस्ट करें। फ्लोर टेस्ट वो करना नहीं चाहते, सिंपल। अब तो सर अब्डक्शन। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अपनी याचिका में अपील की थी कि अदालत मध्य प्रदेश सरकार को 24 घंटे के भीतर बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दे। इस पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया और 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया। न्यूज डेस्क।